अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30 हो रहे हैं, तो मेरे चेहरे पे इतनी ज़रा खुशी क्यों है तो अभी आपको बताता हूँ। अपनी मुर्गियों को मैं खुराक डालने के लिए आया था, तो अभी मैंने खुड्डा खोला है तो अंदर एक चीज़ देखी है, तो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। तो आपको हंसी भी आएगी देख के और खुश भी होंगे, क्योंकि मेरी मुर्गियाँ मैंने पाली थी तो इतनी माशाल्लाह बड़ी गई हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ अंदर पड़ी हुई है। तो ओ ये अंडा दिया है मेरी मुर्गी ने, कितना छोटा अंडा दिया, कितना छोटा। काफी दिन हो गए से मैं इसके अंडे का इंतजार में था कि कब अंडे देने स्टार्ट करेंगे। आज फाइनली जो है इन्होंने एक अंडा दिया है और इतना छोटा अंडा दिया है। तो मुझे देख देख रहा है, हंसी आ रही है। तो यार अंडा दे रहा थी थोड़ा बड़ा दे लाते, इड्डी जल्दी कर दी थी। चलो कोई नहीं, पहला अंडा मेरी मुर्गियों ने माशाल्लाह माशाल्लाह दे दिया। तो अभी मैंने खुराक नहीं डाली तो मैं एक्साइटेड इतना हो गया, मैं क्या ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, पहले आपको अंडा उठाते हैं और दिखाते हैं कि भाई हमारी मुर्गियों ने माशाल्लाह से अंडा दिया और इस अंडे को धो के संभाल के रखेंगे इस अंडे को। तो ज़्यादा देर तक तो रख नहीं सकते, अंडा ख़राब हो जाता है। कोशिश करेंगे जितनी देर भी रख सकें तो रखेंगे। तो यहाँ से वैसे चूज़ा वगैरह तो नहीं निकलेगा मेरे ख्याल से इस अंडे से, कि निकलेगा? अगर निकलेगा कमेंट करके बताइए कि निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, इतना छोटा सा अंडा है। तो देखते हैं क्या करता है इसका। तो अभी फ़िलहाल ही ने मैं खुराक वगैरह डाल देता हूँ। अच्छा तो मैं साथ अपने साथ तेल भी लेके आया था, मैं कहता थोड़ा सा बालों को लगाते हैं, थोड़ी सी खुश्की सी हो रही है बालों में, डैंड्रफ सी, तो वो भी थोड़ी सी लगा लेते हैं। जुमा भी है, तैयारी भी करनी जुमे की, तो इसलिए मैंने कहा तेल लगा लेते हैं। तो अभी फिर जाते हैं नीचे और अम्मी जी को बताते हैं कि हमारी मुर्गियों ने अंडा दिया। अभी चार मुर्गियां माशाल्लाह, अभी किसी एक ने दिया होगा अंडा, तो देखते हैं शाम तक कितने अंडे देती हैं। अगर आज नहीं तो कल इंशाल्लाह तआला, मुझे उम्मीद है रोज़ाना अंडे आया करके और इनकी खुराक में और भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इंशाल्लाह और भी बेहतर करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दिया करें। अभी ये तेल लगा लेते हैं। अभी थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं ताकि जरा ना तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए और हमारे बालों की खुश्की जो है वो खत्म कर दे। चले गए तो अभी चलते हैं नीचे और जाके मीजे को बताते हैं कि मुर्गी ने दिया अंडा और दिखाते हैं कितना मज़ेदार सांडा दिया हुआ है। तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज है, चले अभी चलते हैं नीचे, अभी अम्मी को दिखाते हैं अंडा। अम्मी जी, माँ, माँ जी, मेरी मुर्गी ने अंडा दिता। हाँ जी पहला अंडा ये नहीं पता कि ने दिता अंडा दिता। हाँ जी ये तो चूचा नहीं निकलता, ये तो चूचा तो नहीं निकलू, चूजा नहीं पैदा होता इतों। अच्छा ठीक है ठीक है, जरा अंडे दे लो, ठीक है ठीक है सही है। फिर तुम दस दौ ना, मैं उदो दे, तुम दस दौ जो फकड़ चलूगा। हाँ जी हाँ जी ठीक हो गया, ठीक है नहीं मैं क्या सही अंडा होना है, ठीक मैं खा लो ठीक ठीक। दादी मैं कह रही थी पता नहीं कौन सा महीना है फकर, तो तब निकालना अंडे से चूजे, अभी जो मौसम चल रहा है अंडों से चूजे नहीं निकलेंगे। तो फिलहाल दादी करिए अभी उन्हें अंडे देने दो जितनी भी दे सकती हैं, तो बाद में देखेंगे फिर। अभी टेस्ट कर लेते हैं अंडे का, तो इसके अंदर जर्दी है कि नहीं है। तो ये टेस्ट मैं तो अपने तरीके से करने लगा, वैसे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि बंदा कहे कि अंदर जर्दी है। तो ऐसे ही लग रहा है जैसे सारी है ना
वो है जो होती है प्रोटीन, तो वही सारी चीज है। अभी जो मैं तैयारी वगैरह कर लेते हैं वही है, जुकाम होने लगा है ना यार, ऐसा ना हो। खैर अभी कर लेते हैं जुम्मे की तैयारी वगैरह, नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिया, तो अभी चलते हैं जुमा पढ़ने के लिए। जुमा पड़ के घर आ गए हैं, तो अभी खा लेते हैं खाना। तो खाना खाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ बाजार, अगर तो दुकान खुली हुई ना तो हमारे अजीज की दुकान है तो बाहर चलते हैं, तो उन्हें जाके कहते हैं एक अच्छी सी तार हो जो बैटरी वाली हो, तो उसके साथ एक बटन लगा के ना तो वो मुझे दें, तो वो बाइक को फिट करके तो वो वाला काम ही खत्म करके ना, तो ये भी जो हमने खुले रखे हैं तो ये भी फिट करके बाइक एक मरतबा फिट करके खड़ी करते, तो बार बार खोलना यार ये भी चीज़ें टूटने वाली होती हैं, तो ये टूट भी सकती हैं, इसलिए ज़्यादा मरतबा खोलना भी चाहिए बाइक को, तो उसका कोई इस तरह का काम करते हैं जो कि मुश्किल हो, बटन के साथ मतलब बंद कर दे बैटरी डिटैच चला दे तो बैटरी अटैच। आज बने जी मनी घर कोस वाले चावल। चलिए गए अभी चलते हैं बाजार, देखते हैं दुकान खुली है कि नहीं, अगर दुकान खुली है तो तार बनवाते हैं उसके साथ बटन लगवाते हैं। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, अभी तो बाजार वैसे सारा बंद ही है, दुकान खुली है कि नहीं खुली, दुकान खुली है, खुली है, खुली है दुकान। बटन तो मैंने बनवा लिया है, लेकिन जो वायर्स लगाई हैं उसने बहुत ज़्यादा ब्रीक लगवाई, मैंने तो सिखाया था बाइक का सर्व लगाना है, तो वो कह रहा है नहीं चल जाएंगी इसके साथ, चलो चला के देखते हैं, चल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और मोटी वायर लेके आते हैं। तार मैंने लगा ली, अभी हल्की सी लगा के देखी है तो करंट जो है आ चुका है यहाँ तक, अभी देखते हैं बटन के साथ बंद होती है कि नहीं होती। अभी ये बटन है, इसे कर देते हैं यहाँ से बंद, और ये हो गया बंद। अभी बटन को चलाते हैं तो ये होगी ऑन, तो अभी बैटरी का मैं सेल्फ लगा के देता हूँ स्टार्ट होती है कि नहीं होती। ये फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया, बटन हमारा पिघल चुका है, तो तारें जो है बिल्कुल गर्म हो गई हैं, ये काम नहीं चलेगा, बटन इसका जाम हो गया, चल ही नहीं रहा, पिघल गया ना, ख़त्म हो गया। मैंने उसे बाबा बताया भी था, मैंने कहा बाइक ही है, लेकिन वो कह रहा नहीं ये चल जाएगा, एक मिनट भी नहीं चला है और एक सेल्फ भी नहीं लगा, तो मेरे 30 रुपये ज़्यादा चले गए। अभी किसी बाइक वाले के पास जाते हैं इलेक्ट्रिशियन के, तो वो बताएगा कि भाई कौन सी तार जो है वो मोटी होगी और यहाँ टाइम निकाल जाएगी। पी लेते हैं चाय 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 चाय। तो ये थी कि हमारी आज वाली वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, तब तक इतना ही, अल्लाह।